गॉट इट सुन आ रहा है, कुछ मैसेज आ रहा है? ओके कर दो, गॉट इट कर दो। किसने लॉगिन किया है इसको ऑनलाइन? मार्किंग बताओ जरा। इतना ज्यादा पहुंच गया क्या? सुना ऐसा कर मैं नाउ स्पीड डिस्टेंस टाइम कर रहे हैं, पहले बेसिक्स करवा दिए थे, आज हम लोग एवरेज स्पीड से रिलेटेड वाले से शुरू करेंगे। किससे? एवरेज स्पीड। एवरेज हम सब जानते हैं क्या होता है, कि व्हाट डू मीन बाय एवरेज? एवरेज नथिंग बट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन स्पीड डिस्टेंस टाइम में कैसे यूज करना और एवरेज स्पीड क्या होती है? देखो, अगर एक डिस्टेंस ए है और एक बी है, यहां से एक बंदा गया एक्स स्पीड से, एक्स किलोमीटर पर आवर, और बी से वापस ए आया उसी डिस्टेंस से, वाई किलोमीटर पर आवर से। यहां डिस्टेंस तो कॉमन था, स्पीड बदली बस। ऐसे केस में क्या होता है, डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये एवरेज स्पीड होगी फर्स्ट केस। लेकिन ये हमेशा सेम नहीं होगा ऐसा, ये एक बेसिक चीज मैंने बताई। ऐसा केस आएगा तो आपको टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कर। सेकेंड केस आता है, ये फर्स्ट केस। सेकेंड केस ये है कि ए से बी एक बंदा गया एक्स किलोमीटर पर आर से, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है ए। फिर बी से सी बंदा गया वाई किलोमीटर पर आर से, डिस्टेंस क्या है, और बी से सी, फिर सी से डी गया बंदा जेड किलोमीटर पर आर से, डिस्टेंस कितना है सी। ऐसे उसमें एवरेज स्पीड अगर निकालने को बोलेंगे तो फॉर्मूला बनता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। अगर हम डिस्टेंस निकाले अगर यहां, तो शुरू का डिस्टेंस कितना है ए, और टोटल टाइम क्या है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस शुरू का क्या है, स्पीड क्या है। तो टाइम पहला जो टी वन बन रहा है, पहला टी वन वो कितना है ए अपॉन एक्स। एक्चुअली अपन टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री करने वाले हैं ना, और डिस्टेंस क्या है ए प्लस बी प्लस सी। तो जब हम इसको लिखेंगे फिर से तो लिखेंगे ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन पहला टाइम कितना, दूसरा सी अपॉन जेड। ये इसका फॉर्मूला कब, जब डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं अलग है, लिख लो इसको।
डन तो जेड वाले में सी मतलब स्पीड जेड मतलब क्या बोल रही फर्स्ट वाले में ज्यादा कैसे बनाओगी दो लोगों का नहीं बोला है एक ही आदमी है जो गया और वापस आया क्लियर है जरूरी नहीं है लोग वाली बात नहीं है यहाँ यहाँ क्या है कंसर्न मेन आपका डिस्टेंस है ठीक है और ये जो मैंने दूसरा फॉर्मूला लिख लिया था आपने ये जो नीचे की चीज लिखाई है ये मेन है बाकी सब तो ये ऊपर ऐसी मतलब वाली बात नहीं है ये फॉर्मूला मेन है अगर आपको मैं बात बताता हूँ इन्होंने जो सवाल पूछा उसको मैं ऐसे करता हूं कैसे बंदा ए से बी गया ए ये है यहां से बी है एक्स से गया बी से सी गया वाई स्पीड से और सी से डी गया तीनों आपस में सेम डिस्टेंस है तो तीन स्पीड हो गई तो उसका एक फॉर्मूला है लेकिन वो बहुत लेंथी है तो मैं आपको कहूंगा आप यहां पर क्या यूज करोगे ये वाला ये जनरल फॉर्मूला है कौन सा है जनरल फॉर्मूला समझते हो आप लोग क्या होता है मास्टर की पता है सुनिए कभी ताले वाले खोले कि नहीं एक चाबी होती है जो सारे ताले खोलते है ना ऐसी चाबी होती नहीं है वो गुच्छा होता है चाबियों का तो हम बचपन में सोचते थे वो मास्टर की होगी कोई जादू वाली लगाते ही खुल जाती एक से नहीं खुल जा पॉसिबल चाबियों का गुच्छा होता है उसमें कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो जिस ये कैसा जनरल फॉर्मूले वो फॉर्मूले होते हैं जिसमें आप कहीं कुछ नहीं बैठे तो उससे कराओ जैसे आप अगर मेंसुरेशन पढ़ते होगे तो ट्रायंगल का जनरल फॉर्मूला क्या है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड पर एक्यूरेट ट्रायंगल का क्या है रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर अगर आपको रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर से नहीं करना है एरिया फाइंड तो आप वन बाय टू बेस इंटू एल्टीट्यूड से कर सकते पर आप आइसोसेलेस का फॉर्म आइसोसेलेस भी एक ट्रायंगल है पर क्या आइसोसेलेस का आप इक्वेटोरियल वाले फॉर्मूले से कर सकते हो नहीं ना पर आइसोसेलेस का फिर से 1 बाय 2 बेस इनटू अल्टीट्यूड से कर सकते हो अगर दोनों में अल्टीट्यूड गिवन है तो आगे समझ में तो वो जनरल फॉर्मूला है तो जनरल फॉर्मूला सब जगह एप्लीकेबल होता है तो ये लिख लिया आप लोगों ने कौन है ऐसे बोल दो ना यार तुम बहुत फॉर्मेलिटी वाले आदमी हो इतनी एक तो लेट आ रहे हैं ऊपर से इतनी फॉर्मेलिटी दरवाजे धक्का मारो घुसो अंदर टीसी उधर पकड़ ली यहाँ थोड़ा कोई पकड़ रहा है वो हो गया सो हो गया अब तू जब भी आओ जाओ ना अंदर टीचर का पहले से तो लेट आ रहे हो और टीचर को और डिस्टर्ब कर रहे हो लेट आओ डायरेक्ट घुसो शकल छुपा के लेट आने वाला कोई बहुत बड़ा 30 मार खा नहीं है वो पहले से लेट आ रहा है और क्लास और डिस्टर्ब कर रहा है तो डायरेक्ट जो भी है एनी जो भी लेट होना पसंद करते हैं वो लोग तो डायरेक्ट शक्ल छुपा के बैठो अपना ठीक है टीसी पकड़ ले चाहे ट्रेन छूट जाए जो हो जाए तीसरा है अगर आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस ना देकर परसेंटेज दे दिया जाए या फ्रैक्शन दे दिया जाए कि बंदे ने 20% ऐसे किया 30% ऐसे किया तब कैसे एवरेज स्पीड निकालोगे उसका क्वेश्चन उसका फॉर्मूला क्या होगा उस केस में मतलब आपसे बोला जाए ये ए है ये बी सी डी ए से भी बंदा 2/5 डिस्टेंस है कितना और बी से सी 4/5 और सी से डी 4/5 कर दो उसको है ना तो ऐसे डिस्टेंस से हुआ और ये डिस्टेंस ट्रेवल किया आपसे पूछा एवरेज स्पीड निकालनी है और स्पीड दी होगी आपको थोड़ी बहुत
आपको उस केस में क्या करना है, क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा ये वाला। एवरेज स्पीड इस केस में जब कब, व्हेन डिस्टेंस इज गिवन इन आइदर परसेंटेज और फ्रैक्शन। उस केस में एवरेज स्पीड होगी 1 upon ms1 plus n upon ns2 mn or mno upon s3 plus so on। m क्या है? फ्रैक्शन। उस फ्रैक्शन में उतनी वो स्पीड, यानी ये फ्रैक्शन 2/5 में इसकी स्पीड कितनी थी s1, ये 4/5 में इसकी स्पीड कितनी थी s2, और अगले 4/5 में कितनी थी s3। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर है? लिख लो। टीसी ने पकड़ लिया पास या टिकट नहीं निकाली सरबजीत? तो फिर क्यों पकड़ लिया? मतलब इस वजह से लेट हो गए तुम, आधा घंटा रोक लिया टीसी ने। पहला पैसेंजर हो तो मुंबई में विशेष वेरिफिकेशन हुआ आपका। क्या है? फ्रैक्शन m मतलब 2/5, 3/5, वो s1 उसकी स्पीड, उस डिस्टेंस में जो स्पीड चला गया हो। राइट डाउन, अ बॉय राइड्स हिज बाइसिकल 10 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। लिख देता हूं मैं, एंड है ये। ये क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड करो।
सेकंड स्पीड 10 है, क्या आंसर आया? क्या हुआ? डिस्टेंस 10 है ना? कितना? 60? नहीं, ऑनलाइन आंसर क्या है? डेसिमल में आंसर है, डेसिमल। हाँ, यहां पर आप लोग देखो, चलो सॉल्व करते हैं। यहां पर आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? फर्स्ट सेकंड थर्ड, पर यहां फर्स्ट भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है। सेम नहीं है क्या? सॉरी सॉरी, डिस्टेंस वो राइट, सेम नॉट 10 2 मीटर स्पीड और इंटरवल, डिस्टेंस सेम नहीं है, सेकंड फार्मूला, सॉरी मुझे लगा डिस्टेंस सेम। तो अगर आप सेकंड फार्मूला लगाओगे तो उसने बोला सेकंड फार्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, टोटल डिस्टेंस कितना? 10 और 12। अब टोटल टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? पहला जो t1 निकालेंगे तो 22, पहला जो है, पहला डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है? 10। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? t1 कितना निकलेगा? डिस्टेंस कितना? 5/6। t1 निकला तो अपन क्या लिखेंगे? 22 के नीचे क्या लिखेंगे? सेकंड जब t2 निकालेंगे, t2 में डिस्टेंस कितना था और स्पीड? 6/5। अब 5 और 6 का एलसीएम कितना? 30 को 6 ने डिवाइड किया, 5 5 36। क्लियर है? एक्चुअल में आपके सामने बन रहा है 22 इज डिवाइडेड बाय 61/30। इस चीज का मतलब होता है 22 डिवाइडेड बाय, और इस चीज का मतलब होता है 22 into 30 अपॉन, इसको सॉल्व करें कितना आया था? 10.819। यही आंसर है, 10.8 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? लिख लो।
लिख लिया, रब करूं ऑनलाइन कंफर्म करो, ऑनलाइन ऑनलाइन कंफर्म करो, लिख लिया? यस यस सर। सॉल्व करो। Who's registers? क्या तारीख है आज? चलो आंसर बताओ ऑनलाइन, इसका आंसर बोलो। ऑनलाइन किसी का नहीं आया? ऑनलाइन
ऑनलाइन वाले ये रहते हैं, मौन व्रत होता है ना, रखते हैं थोड़ा। आप लोग नहीं रखते ना मौन व्रत ऑनलाइन पे? तुम भी मौन व्रत रखते हो? अच्छा। नाउ मैं सॉल्व कर रहा हूं, बोर्ड पे देखो, किसी का आया क्या ऑनलाइन आंसर? 36 किलोमीटर। गुड, 36। अपने को एवरेज स्पीड बतानी है ना, ये जो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि पहला फॉर्मूला तो फिट होगा नहीं, तो कुछ समझ में ना आया तो हमेशा मैंने क्या बोला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। बंदा यहां से ट्रेन चली, जो T1 क्या है 12 मिनट, स्पीड क्या थी इधर, फिर एंड फॉर नेक्स्ट 8 मिनट्स स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड निकालने, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए भाई पहले का इधर का डिस्टेंस निकालेंगे, ए से बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू स्पीड कितनी है और टाइम क्या है, पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा, टाइम किसमें मिनट्स में, अपने को किसमें बदलना पड़ेगा, आर में। तो 12 अपॉन 2, 2 12 को 6, डिस्टेंस पहला कितना आया यहाँ का, D1 जो आया आपका वो 6 किलोमीटर आ गया। ऐसे ही D2 फाइंड करेंगे, D1 फाइंड किया, D2 फाइंड करेंगे, D2 में स्पीड इनटू स्पीड है 45, टाइम क्या है 8/60, यार हो गए अभी ये 3 बार, ये 4 बार, 4 इसको यहां भी कितना आया 6 किलोमीटर। अब सब्स्टिट्यूट करता हूं इस वाले में, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टाइम कितना लग रहा है 12 और 8 कितना 20 मिनट, पर 20 मिनट को डायरेक्टली ले नहीं सकते, 20 के नीचे क्या आएगा समझ जाओ, 20 मिनट नहीं ले सकते हैं क्योंकि सब किलोमीटर पर आर वाला सिस्टम है, तो मिनट को हमने किसमें बदला 1/3 आर। तो यहां कितना बना 12 is divided by 1/3, तो 12 into 3 36। क्या पूछा था, तो बाद में मालूम चला ना अपने को, जब हम 90% दूर आ चुके हैं फिर पहले पे क्यों जाते है ना, पहले पता होता तो सॉल्व ही कर लिया, तो फिर वो जोड़ दो पुराना उसी को फिट कर दो। ऑनलाइन कंफर्म करो, आया समझ में? ऑनलाइन एक दो स्टूडेंट्स, एज आई ऑलवेज से इनिशिएटिव ले लो, आप लिख लिया करो तो बोल दिया करो सर लिख लिया, डन, समझ में आया है तो हाँ करो, नहीं आया तो ना करो, ठीक है? ठीक है, मेरी शायद आवाज जा नहीं रही है, ऐसा हो रहा है, जा रही है? आप भी ऑनलाइन जाओगे तो आंसर रेस्पॉन्स नहीं करोगे, रब करता हूं मैं।
हो गया सर। आंसर बोलो जल्दी ऑनलाइन। यहाँ आंसर आ रहा है कि नहीं आपका? क्या है क्या हुआ? आगे आंसर क्यों? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन दिए हैं। ऑनलाइन किसी का आंसर आया? कंफर्म करो। किसी का नहीं? फोर। हाँ ये कौन सा कहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड? तो आंसर क्यों नहीं है? तीनों में से किसी का नहीं है, मतलब तीनों एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। एक का भी सहयोग नहीं होगा तो आंसर ही नहीं आएगा, है ना? डिपेंडेंसी छोड़ो, अपना अपना सॉल्व करो। इतना इजी क्वेश्चन है ये। क्या है राम आंसर? सरबजीत फोर कैसे? कौन सा केस है ये? ये केस कौन सा है? और उधर हम लोग माइल्स पर सेकंड में चल रहे थे अब तक। अरे टाइप वन है, टाइप टू है, टाइप थ्री, तीन बताए ना, कौन सा ये? सेकंड वाला है। फर्स्ट वाला क्यों नहीं है ये? क्या नहीं दिया है?
ये क्वेश्चन की हिंदी बोलो जरा, हिंदी में बताओ उस क्वेश्चन को, बोलो जल्दी। वो उधर रिमेनिंग नाम की कोई चीज लिखी है क्या, बची हुई आधी? अब उनको वो चांद सितारे लगे उससे थोड़ी ना काम चलने वाला है, जो डिजिट लिखी है उसको फॉलो करना है ना। बंदा आधा आधा डिस्टेंस ने कैसे तय किया, 6 किलोमीटर पर आर से, और बचा हुआ आधा रिमेनिंग हाफ समझते हो वो किससे, तो आधा आधा हो रहा है डिस्टेंस से, हमें तो 2xy/x + y ना, आप लोगों का भी नहीं आया, अब आने से कोई मतलब नहीं है, 1 मिनट के अंदर आंसर दान चाहिए। 2xy/, इतना सब बताने के बाद आंसर लिखोगे कोई मजा नहीं है उसमें। 2 ये डिस्टेंस, भाई ये आदमी 6 से गया और वापस लौट के नहीं आया, तो बचा हुआ 6 किससे किया उसने, बचा हुआ डिस्टेंस उसने 3 से किया, दोनों बराबर है। 2 6 3/6 + 3 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ ऑनलाइन? यस सर। लिख लिया, जल्दी बोलो। जल्दी लिखो। रब कर दूं, लिख लिया सबने? यस सर। चलो आराम से बातें करो, आराम से, दूसरा कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बात बहुत जरूरी है। तो ये एंड है, एंड सॉल्व करो।
ऑनलाइन आंसर आया किसी का? इधर आया किसी का आंसर? पॉइंट में क्वेश्चन कौन सा था बोलो एक बार। वेट वेट वन थर्ड ऑफ फ्रैक्शन में है हाँ, मतलब डेसिमल में जाएगा। हाँ यस ऑप्शन है 33 1/3। क्या है ऑप्शन? चलो बोर्ड पे देखो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वो क्या था? थर्ड फॉर्मूला क्या था सरबजीत? वन अपॉन, मैं आपको यह भी बताऊंगा अगर आप इसको यूज ना करना चाहो तो भी आंसर आएगा। देख वन थर्ड ऑफ अ सर्टेन जर्नी, इस बार एम कितना होगा? ये वन थर्ड है, एम की वैल्यू इधर वन थर्ड होगी, डिवाइडेड बाय क्या? स्पीड। स्पीड कितनी है? तो एक्चुअल में आपको बोला जा रहा है ये 1/3 के नीचे 25, तो इससे अच्छा करने से अच्छा आप क्या करो, डिवाइडेड बाय इस बात का मतलब, अगर वो ऊपर डिवाइड हो रहा है तो नीचे क्या होगा, तो ये बनेगा ये चीज m अपॉन s1, ये बन गई है ना, प्लस n वन थर्ड एंड वन फोर्थ। आगे n कितना है आपका? 1/4। किस स्पीड से हो गया वो? बाकी बचा हुआ अपने को निकालना है। आप मैंने कहा ना अगर हम परसेंट बोलते हैं तो हमेशा 100% टोटल मानते हैं, और जब फ्रैक्शन होता है तो 1 मानते हैं। तो 1/3 प्लस 1/4 कितना होता है? 12। 7/12 होगा। आ गया समझ में? 7 कैसे आया बताओ आप? गुड, पर वो ये समझ याद रखना। तो 12 में से 7 हो गए, बचे कितने? कितने में से?
तो डिस्टेंस कितना बाकी है? 5/12, यानी ओ कितना है? 5/5 स्पीड क्या है? 50। ठीक है, तो यहां आप ध्यान देने वाली बात है, आपके सामने बन गया ये, इसके बाद ये कितना था, ये आपके सामने बना 1/1/75 प्लस 1/120 प्लस 1/600 बराबर ना, ऊपर 5 है ना, 550 को 10 कर देगा तो 120 बन जाएगा। 120 और 75 का एलसीएम कितना आएगा? 600 आएगा। एलसीएम 75 120 का 600 एलसीएम लिया, 600 को ये कितनी बार करेगा? 8 टाइम्स, 8 बंदा ये प्लस, एक्चुअली आपके सामने बन रहा है इज इक्वल टू 1/18/600 का मतलब होता है 18 कितनी बार, 6 से 18 कितनी बार, और ये 1/3/100 का मतलब 100/3 33 1/3 किलोमीटर पर आवर या 33.33 किलोमीटर पर आवर लिख लो। डाउट है किसी को? क्या बंद तो नहीं हो गया? लो हो रहा है, स्विच ऑफ ना हो जाए तो चले जाना जरा, परेश बोला ना। लगाई दो लगते चार्जर। एक बार चेक कर, एक मिनट चेक करने दूंगा। बराबर जूम करना है क्या? बराबर है, रहने दो। चार्जिंग हुई चालू? क्वेश्चन ड्रॉप करूं? हाँ सर। ऑनलाइन? यस सर। ठीक है,
शहर अक्रॉस के बाद क्या लिखा है? दिल्ली। ये हाँ सर, दिख नहीं रहा है दिल्ली। उसके ऊपर लाइट आ रहा है। अच्छा लाइट आ रहा है। ओके एक ठीक है, कुछ देख करते हैं अभी। फाइंड करो। ऑप्शन है। डू फास्ट, जल्दी करो। यस फ्रैक्शन बना सकते हैं हम, परसेंट को फ्रैक्शन बना दो ना। 50% दिया है शुरू का, 50 का 50/100 1/2 बनाओ, यानी एंड की जगह क्या लिखोगे? 1/2। अच्छा आंसर आया ऑनलाइन किसी का?
चलो बोर्ड पे देखो, इसमें कहा गया डिस्टेंस था ए से लेके यहां तक कुछ होगा डी तक, तो ये जो डिस्टेंस था चुप हो जाओ, इसका 50% किस स्पीड से, 50% का फ्रैक्शन होगा 50 अपॉन, यानी अपना m बन गया ये थर्ड फॉर्मूले का। फिर आगे का उन्होंने बोला कि b से लेके आगे तक 40%, यहां तक 40 का फ्रैक्शन कितना बना 2/5, ये आपका n बन गया। इसकी स्पीड क्या थी यहां पर, 40 थी। बचा हुआ 10% का फ्रैक्शन और स्पीड क्या थी, सब्स्टिट्यूट करते हैं, फॉर्मूला था 1/ अभी तो समझ गए ना, इसके नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा 50 से प्लस 2/5 प्लस इनटू चीज जो आपके सामने बन रही हो, यहां देखो 1/100 प्लस वो ये 2 इज 40 को 20 टाइम्स 25 का प्लस 200, 100 और 200 का एलसीएम 200 को 100 टू टाइम्स 2 + 2 + 1 1/5 इज इक्वल टू 200/40 क्लियर, देख लो एवरेज वाले हो गए, मैंने सारे करा दिए तीनों टाइप्स के। हाँ इस वाले में नहीं, मैंने किस क्वेश्चन में बोला था 1/ हाँ, तो मैं यहाँ बता देता हूँ जिसको जो एक्स्ट्रा नॉलेज का इच्छुक है जानने का, यहां देखे ठीक है, बाकी भी देख सकते हैं, पहले बता देना पड़ता है। लोग सोचते हैं सर इससे ही परेशान है तुम और नया बता रहे हो, ये भी होता है ना। आप डिस्टेंस को वन वगैरह छोड़ो, अगर फॉर्मूला भूल जाओ, आप टोटल डिस्टेंस को एक्स मान लो, ये यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना टोटल है, एक्स का 20% कैसे लिखा जाता है, कितना 50% ना, तो एक्स बाय 2 हो जाएगा वो, मतलब आप x इनटू क्या कर रहे हो 50/100 कर रहे हो ना, तो ये जो शुरू का जो इधर का टोटल x था लेकिन वो कितना हो गया x बाय 2 में गाड़ी कितनी चली 50 km/h से, फिर क्या बोला 40% ना, तो 2x/5 अगला कितना, और उधर क्या किस स्पीड से चली 40 से चली, और फिर कितना था, हाँ तो x बाय उधर कितने चली 20 से चली। तो आपको वो फॉर्मूला याद है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस कितना है अपना x, टाइम निकालेंगे t1, t1 क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है x बाय 2, ये 50 मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, यहां कितना बनेगा x अपॉन 100 प्लस वो तीसरे वाले में x अपॉन 200, सब ऊपर से तो x है, नीचे से x कॉमन ले लो तो x x कट जाएंगे, वापस वो लास्ट वाला बनेगा। तो अगर आप ये फॉर्मूला भूल भी जाओ तो
तो आप ये याद रखना टोटल डिस्टेंस अपॉन, क्योंकि वो एक जनरल फॉर्मूला, उससे भी ये होगा, उससे पहले वाला भी हो जाएगा। क्या हुआ राम, नहीं आया समझ में? लास्ट क्वेश्चन पिछले लेक्चर का बोलो। फिर से अच्छा ये क्वेश्चन हुआ था क्लास टाइम, अ मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 7 आवर्स पार्शियली ऑन फुट एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। हो गया ये, ये लिख लिया जल्दी, ऑनलाइन कंफर्म करो, रब करना है। यस सर, हो गया। ठीक है, अभी एवरेज वाले मैंने सारे बता दिए, अगर एवरेज का आ जाए तो सोचो कि किससे करना है। बीच वाला जनरल फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैसे तो नहीं कहता कि आप भूलो, बट अगर भूल जाओ तो बीच वाले से भी काम चला सकते हैं, पर भूलना मना है, भूलोगे तो कैसे काम चलेगा। मैथ्स के अलावा आपको पता नहीं इंग्लिश में कितने सिनोनिम और एंटोनिम याद करने है ना। पेपर वन क्लियर हो जाएगा तो पेपर टू में जाओगे तो कंप्यूटर रटना है पूरा, करंट अफेयर रटना है ना। इन टू में जाओगे तो आरबीआई का पूरा, बैंकों का पूरे, कौन सीईओ कौन क्या सब रटना है। तो आपका मेमोरी को इतना शार्प बनाना सीखो कि कैसे आप कॉलेज में कैसे रट्टा मारते थे, 3 दिन पहले ही सारी तैयारी, और डायरेक्ट एग्जाम देते तो एग्जाम के अगले दिन कोई पूछ ले क्या था, कुछ नहीं बता पाते है ना, सब जाके जो खाया वो हाँ यही किया है ना हम लोगों ने। तो वैसा वो वाले सेक्शंस वैसे हैं, करंट अफेयर्स क्या है आपने कर लिया है ना, मेंस में आप गए, मेंस में जाने वाले आदमी का मैथ्स रीजनिंग तो हो ही चुका होता है लगभग, तो उसका सेकंड टास्क क्या है, करंट अफेयर्स और ये सब सारी चीजें, वो 1.5 महीने 2 महीने में आराम से हो जाता है। वापस हम लोग उन पे आ रहे हैं जो हमने पहले बेसिक्स कराए थे ना, अभी अपने यही वाले क्वेश्चन बहुत चलेंगे, फिर हम लोग ट्रेन में जाएंगे, ट्रेन वाले कुछ कराए थे ना, अब और कराएंगे बाद में, उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट स्पीड डिस्टेंस टाइम के वो करेंगे। ठीक है, जैसे कि
करो सॉल्व। इस बार लाइट किसके ऊपर है? बेंगलोर के ऊपर नहीं है, इस बार लाइट एट के ऊपर है। बेंगलोर के बाद एट है, एट 8:30 AM। ठीक है, अ कार ड्राइवर लीव्स बेंगलोर एट 8:30 AM एंड एक्सपेक्ट्स टू रीच अ प्लेस 300 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलोर एट 12:30 PM। बंदा 8:30 पे निकला है सुबह, और उसको बैंगलोर से किसी दूसरी जगह पहुंचना है, और वहां 12:30 बजे पहुंचना है दोपहर को, है ना। बट क्या हुआ, 10:30 बजे उसको पता चला कि उसने कितनी परसेंट जर्नी कवर किया सर, तो अब वो कितनी स्पीड इंक्रीज कर दे। क्या पूछा है? यस ही हैज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कार इन ऑर्डर टू रीच ऑन टाइम। यस, ऑनलाइन आंसर पता है किसी को क्या आया? देखते हैं, पता नहीं मुझे। थर्ड ऑप्शन है। बाकी लोग, राम क्या आंसर है? इजी है एकदम। ऑनलाइन किसी का आंसर आया क्या? कंफर्म करो। ट्राई कर लिया आप लोगों ने किसी का आंसर इस तरफ? ऑफलाइन चलो मैं बताऊं, अभी कर लिया ट्राई, नहीं आया। लुक एट द बोर्ड। एक बंदा था, उसको बैंगलोर से, वो बैंगलोर से 8:30 AM सुबह के 8:30 बजे उसको किसी दूसरी जगह पहुंचना है, यहां से यहाँ बी से सी। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है कितना है? 300 किलोमीटर। तो लेकिन 12:30 पे पहुंचना है, कितने बजे? यानी उसको 8:30, 9:30, 10:30, 4 घंटे में पहुंचना है। कितने आर में? 4 आवर्स में पहुंच। बट ही 10:30 बजे उसको मालूम चला, 8:30 के बीच में, यहाँ किसी मूवमेंट पे मालूम चला 10:30 पे, कि मैंने तो सिर्फ 40% डिस्टेंस कवर किया है। इसका मतलब उसने 340 का कितना, तो यहाँ कुछ उसने कितना कवर किया सिर्फ? अभी भी 180 क्या है बाकी है। अब 180 किलोमीटर डिस्टेंस कितना बाकी है, और पहुंचना के, और 2 घंटे हो चुके हैं, टाइम कितना बाकी है? तो इस 2 घंटे में उसको पहुंचना है, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना ये स्पीड होनी चाहिए, और अभी स्पीड कितनी है उसकी? 190। हाँ, अभी स्पीड हमने निकाल ली नहीं, पर ये वाली निकाल दी हमने, तो इस वक्त करंट स्पीड जो 8:30 से 10:30 के बीच में, वो डिस्टेंस कितना है?
अपॉन कितने घंटे, ओल्ड स्पीड बता रहा हूं ओल्ड स्पीड, है ना, ओल्ड स्पीड फ्रॉम फ्रॉम 8:30 टू 10:30 कितना बना, 60 किलोमीटर पर आर है। यहां तक उसकी स्पीड 60 किलोमीटर क्या थी, पर आर थी, लेकिन अगर उसको सही समय पर पहुंचना तो कितनी होनी चाहिए, कितनी बढ़ा दे रहा है वो, ठीक है। लिख लो, डाउट है किसी को, डन कंफर्म करो ऑनलाइन। नो सर, लिखो फास्ट। डन, जल्दी हो जाए, मुझे कंफर्म करो। डन सर, करो, यस सर, ठीक है।
क्वेश्चन पढ़ दूं। एक बंदा था पी, जिसने जर्नी चालू की किसी एक पर्टिकुलर जगह से और उसकी स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर। 30 मिनट बाद क्या हुआ, बंदा तो आगे निकल गया, उसके 30 मिनट बाद क्या हुआ, दूसरा बंदा था क्यू, उसने उसी पॉइंट से जर्नी स्टार्ट की लेकिन उसकी स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। अब जो पीछे वाला बंदा है वो पहले वाले को पकड़ेगा जाके कितनी देर बाद, व्हेन दे विल मीट। ओके, किसी का आंसर आया? 3/8 hours। ऑनलाइन किसी का आंसर आया? चलो मैं बताऊं, कर लिया ट्राई। आणि कोण नसलं तर जास्तच, एक मम्मी असली तर काय वाटत नाही, म्हणून मला यांचे एक दिवस पण राहत नाही, असं शत्रूच्या घरी वाटत मम्मी नसल्या असं देतात ना, ते बोलतात ना टोमणे असले टोमणे मारतात। कोमल अपना माइक म्यूट करो, कोमल मोरे घाटकोपर। हाँ? शायद आर निकाले ना, कितनी देर बाद बंदा मिलेगा, क्या निकालना है, हाउ मच टाइम ना। आज गरीब लपन होते तो मेरी बात कड़ी कड़ी सो बदे वो तो होटल में कुछ वाली कुछ तो आता अपन एक हद कोमल कोमल आपको मेरी आवाज आ रही है क्या कोमल, एक हद दोन घास खा लिया नहीं कच्चा ना कोमल वो खाई तो इसमें होता था असो का तसो का और ये शब्द मन ले यार कि जो कुटे पण हेच असतं खायला प्यायला पण हे करते अगं माहिती का एवढं वर्ष झालं तरी ऍक्च्युअली किसी का माइक अनम्यूट हो है कैसे बोलूं, शी इज नॉट लिसनिंग।
त्यामुळे काय वाटत नाही ते केलं परेश बोल ना कोमल मोरे को बोलले जरा माइक यूज कर किती किती ठेवायचं गं आपल्यापासून एक नाही सुंदर अच्छा आवाज आ रही हो आणि एक आपल्याला आणि आपण घेतलं ओके असं बघायचं रागाने म्हणजे माणसाने दुसऱ्यांदा त्याच्याकडे बघू पण नाही आणि खायला प्यायला पण ह्या त्यांना द्यायचं आणि मम्मी नव्हती का ग आम्हाला त्या अमितला आम्ही सबूत खेळवाय त्याला असं नाही करायचं तसं नाही करायचं मम्मी आम्हाला गाडी महाराजची आहेत नव्हती का मग किती वेळ बसवायची म्हणजे किती हे केलं हिने कडूने तसं तर हिला बघायला पण नाही पाहिजे आता तर माहितीये का एवढं तर हे केलं ए मी मी मला सगळं आठवते एक ना एक रे आठवते मला ती जास्त हुशार होती ना ग नाही सगळं आठवत सगळं पण एक त्यांचं ते आता ते उन्होंने किया कि वहीं से मतलब वहां से हो जाता है होस्ट कर देता है होस्ट कर सकता है ना सबको म्यूट हाँ मेरी आवाज है ना ऑडिबल है ना हाँ सर मेरी रहनी चाहिए ऑडिबल ठीक है क्वेश्चन ये था दिखा है अ पर्सन यहाँ पे देखो मैंने एक बात बताई थी जो मैं ट्रेन के वक्त बता रहा था क्या एक कंसेप्ट होता है कि अगर कोई अलग अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है प्लस और अगर सेम डायरेक्शन में तो स्पीड क्या होती है और वही चीज हम लोग यहाँ करते हैं और ट्रेन वाले में क्या था वो अपने साथ लंबी ट्रेन होती है तो हम डिस्टेंस को मानते थे लेकिन ये वाला कंसेप्ट यहाँ लगेगा कि अगर कोई दो लोग दो ट्रैवलर्स जो है अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या होगी एट और सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं तो स्पीड क्या होगी इस तरह के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना क्योंकि कुछ दिनों बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे थीफ एंड पुलिस वाला चोर चोरी करके जाएगा फिर आपको पुलिस वाला निकलेगा कब पकड़ेगा उसको तो उसी का बेस्ड क्वेश्चन है देखो ध्यान से ये बंदा पी जो था इस मूवमेंट से चला होगा ये कोई जगह है यहाँ से है ना ये बंदा पी और उसकी स्पीड कितनी थी तो ये 30 मिनट बाद यहाँ पहुंच गया इस पे क्यू पे पहुंच गया नहीं एक जगह मान लो पी बंदा है ये पॉइंट ए है इस पॉइंट बी पर कितने देर बाद पहुंचा हाफ एन आवर कितना आधे घंटे बाद और इसकी स्पीड कितनी थी पी की 30 किलोमीटर आप बताओ जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रहे आप स्कूटी चलाते हो और आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रहे 30 किलोमीटर पर आर तो आधे घंटे में कितना दूरी तय कर लोगे लिसन टू हर बोलो स्पीक अप ये तो बहुत साधारण सा प्रश्न है बोलिए मैं आई कांट हेल्प यू आउट इफ यू विल नॉट टेल मी छोटी सी बात मैंने पूछी है एक आप हर कोई चलाता है कि नहीं कोई स्कूटी नहीं आती साइकिल तो चलाई होगी साइकिल नहीं आती कभी बस में तो बैठे होगे बस में देखे तो ट्रेन में तो बैठे होगे नहीं सर निकले ही नहीं घर से बाहर सवाल मत पूछो 30 किलोमीटर पर आर चल रही है गाड़ी सीधी सी बात है आधे घंटे में कितना ट्रेवल हो जाएगा आप बताओ सोचो ना ये छोटी सी बातें हम डिफिकल्ट सवालों के पीछे पड़े रहते हैं और बेसिक सी बातें हम नहीं याद समझ रहे कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आर का मतलब क्या है 30 किलोमीटर एक घंटे में तो आधे घंटे में कितना आधे घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने यानी ये 15 किलोमीटर है कितना है अब आप ये देखो ये डिस्टेंस 15 किलोमीटर है ना इस डिस्टेंस को हमें ये पता करना है जो बंदा पीछे से क्यों आएगा वो पीको कब पकड़ेगा तो रिलेटिव स्पीड एक शब्द होता है रिलेटिव स्पीड क्या होती है ये दोनों की डायरेक्शन सेम है ना इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बड़ी स्पीड माइनस छोटी स्पीड क्योंकि स्पीड कितनी थी और इसकी कितनी थी तो रिलेटिव स्पीड कितनी है किलोमीटर पर आवर अब आपसे पूछा गया टाइम कितना टाइम लगेगा तो डिस्टेंस कितना है यही 15 किलोमीटर तो कवर करने हैं दोनों के बीच में फासला कितना डिस्टेंस का है 15 किलोमीटर का अभी 15 किलोमीटर डिस्टेंस है अभी आधे घंटे बाद ही और आगे बढ़ेगा तो यहां से चल दिया है तो हमेशा वो 15 किलोमीटर बीच में रहेंगे कि नहीं उसी को तो उसको फासले को तय करना है डिस्टेंस कितना है 15 और रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 10 इफेक्टिव स्पीड रिलेटिव स्पीड कह सकते हो 15 डिवाइडेड बाय
थ्री बाय टू आर। समझ में आया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए, लिखने का काम मत करो, समझने का काम किया करो। लिखने का काम वेस्ट काम होता है, आपको वहां डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं देना है, आपको सॉल्व करना है और चार में से एक को चुनना है। राइट फर्स्ट, डन रब करूं? ऑनलाइन कंफर्म करो। यस सर। ये क्वेश्चंस घर जाके करने हैं, अदरवाइज आप जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, अगर आप पुराना रिवाइज नहीं कर रहे हो आपको आगे का समझ में नहीं है, ठीक है? तो रिवाइज करके किया करो और उसके जैसे डिफरेंट क्वेश्चंस ढूंढा करो। चलो करो सॉल्व इसको। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ए थ्राइज एज फास्ट एज बी एंड बी थ्राइज एज फास्ट एज सी, द जर्नी कवर्ड बाय सी इन वन एंड अ हाफ आवर विल बी कवर्ड बाय ए इन हाउ मेनी मिनट्स आर? वन एंड अ हाफ आवर, इस बात का मतलब समझते हो ना? वन बाय टू आवर, इसका मतलब थ्री बाय टू आवर, इसका मतलब डेढ़ घंटा। Thank you.
1/6 hour यानी 10 मिनट। आपका क्या नाम है? हाँ सेजल, तेजल। आपका अश्लेषा। आपका ठीक है, नहीं है। चलो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, मैंने एक बात बताई थी आपको कि स्पीड, अगर दो लोगों की स्पीड का रेशियो, मैंने कहा था ऐसा, मैंने ऐसा बताया था कि दो लोग हैं, अगर एक की स्पीड S1 है, एक की स्पीड S2 है, इनका रेशियो अगर 5:3 है तो उनका टाइम का रेशियो क्या होगा? 3:5। और अगर 3 से ज्यादा है, वो 3 बंदे हैं, उनका स्पीड का रेशियो 5:3:2 है, तो उनका अगर टाइम का रेशियो निकालना है तो 5:3:2 का क्या लेंगे LCM, कितना आएगा? 5:12, 12:3 = 5:10, 30 आ जाएगा। तो 30 से किसको डिवाइड करवाओगे, कितना बनेगा? 30 तो 1/6 आएगा, 30 से 3 और 30 से 2, ये उनका टाइम का रेशियो होगा, है ना? ऐसा बताया था मैंने। ये चीज हम लोग अभी यूज करने वाले हैं किसमें, क्वेश्चन। लुक एट द बोर्ड, ये समझ गए आप लोग? दो होंगे तो उल्टा कर दो, दो से ज्यादा है तो एलसीएम लेके करना पड़ता है ना? ये रेशियो प्रोपोर्शन में भी बताऊंगा, मैं सारी चीजें बताऊंगा। दो से ज्यादा है तो एलसीएम लेके क्या जाएगा, और दो से कम है तो दोनों का उल्टा कर दो। जब तक ये 5 और 3 थे तो अपन कह सकते थे 3 और 5, लेकिन एक और आ गया तो उससे फिर एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो ये एक तरीका होता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया ए इज फास्ट एज बी थ्राइस, तो ए और बी का स्पीड का रेशियो क्या है? 3:1, ये स्पीड का रेशियो याद रख। बी और सी का क्या है? तो अपन इसको बराबर करेंगे, मैंने कई बार बताया है, लेकिन यहां पर बी कितना है और सी कितना है, तो ये बी है, ये कौन है? सी है। बराबर करने का तरीका क्या था? यहां बी कितना है, यहां बी कितना है, किससे मल्टीप्लाई करवा दूं? 3 से ऊपर पूरे वाले को। अगर मैं ऊपर वाले को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? नया रेशियो ए बी 9:3, और बी तो नीचे 3 है ही, और सी कितना? 1। तो रेशियो क्या बन गया? A:B:C क्या बन गया अपना? A:B:C की स्पीड्स का रेशियो क्या बन गया? अब टाइम का रेशियो निकालना है तीनों का, तो 9:3:1 का एलसीएम क्या? 9। तो 9 को 9 आ गया एलसीएम मेरा, इस 9 को ये 9 डिवाइड करेगा तो कितना? इस 9 को ये 3 और ये 9 को 1 9, यानी इनका टाइम का रेशियो आ गया एबीसी का। अब आपसे कहा जा रहा है सी 1.5 घंटे में करता है, 1.5 घंटे का मतलब होता है 90 मिनट, कितना? 1/2 hour। और सी के पास कितनी यूनिट्स हैं टाइम की? 9 90 मिनट के बराबर, एक यूनिट 90/9 10 मिनट्स के बराबर। किसका पूछा है? ए के पास कितनी यूनिट है? 10 मिनट। किसी का आया था आंसर? तो देखता हूँ ऑप्शन, तो 10 मिनट अगर ये है तो इसका 10 हो गया। पूछा क्या था? यस 10 मिनट लगेंगे उसको,
ठीक है, ए का कितना 1 × 10, डिस्कनेक्ट कर दो, रेड बटन डिस्कनेक्ट कर दो बस। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसमें पता है क्या, इस थ्राइस को मैं कितना कर देता हूँ, ट्वाइस, ठीक है सर, और आंसर आपको बता देता हूँ क्या सर। हाँ स्क्रीन जूम कीजिए ना, ये स्क्रीन में कुछ डिस्टर्ब हो गया क्या, करो जरा बराबर करो परेश, और करो और करो, बस बराबर है, विजिबल है क्या? हाँ सर, ये थ्राइस का ट्वाइस कर दिया है। आंसर बता देता हूं आपको, इसका 15 मिनट आंसर आना चाहिए, कितना 15 मिनट्स, चेक करो आ रहा है कि नहीं, आ गया? नहीं नहीं उधर ही सिर्फ, जो भी है ठीक है, दिस इज इनफ फॉर टुडे, ये करके आओ और थोड़ा थोड़ा लेवल अप करेंगे, ठीक है, थैंक यू। यार मैं मेरी एक मिनट रुको, तुमने भेजा था मैं नहीं कर पाया।